दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। देखिए मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों चीज कट कर ली है और आपको साइज बता देते हैं। तो देखिए हम ब्लाउज को साइड में रख देते हैं, लाइनिंग है इसी पे साइज बता देते हैं और इसकी ओपनिंग जो है बैक साइड में है। देखिए लेंथ मैंने 14 इंच लिया है, चेस्ट मैंने 12 इंच लिया है। ये तैयार में 14 इंच का आएगा, तो देखिए हमारा ये 10 इंच आएगा तैयार में और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। शोल्डर हमने 7 इंच लिया है। तो देखिए अभी नेक ड्रॉ करते हैं, तो शोल्डर से 4 इंच ले लेते हैं और जितना आप डीप रखना चाहते हैं उस हिसाब से मेजरमेंट ले लें। जैसे मैं ले रही हूँ 11 इंच, तैयार में 10.5 इंच आएगी। इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं और जो हमारा ऊपर का नेक है वो हाई 2.5 इंच आएगा, ऊपर हाई नेक रहेगा। इस तरह से बॉक्स बना लिया और इसमें गुलाई कर देते हैं 1 इंच की। यहाँ पे 1 इंच छोड़ देते हैं और ये बॉक्स बना देते हैं। अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसमें एक पैच डालेंगे, तो इस तरह से टेप को रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पैच आएगा और ये नेक शेप भी रहेगी। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से शेप देते हैं इसमें। अभी हम क्या करेंगे, जो ऊपर का नेक है इसको कट कर देते हैं और इस नेक को यहाँ तक कट कर देते हैं। तो हमारा कट हो गया है। अभी जो हम पैच लगाने वाले हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए ये मेरा बचा हुआ टुकड़ा है और इस पैच को मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच करूँगी। अगर आपके पास सीधा कपड़ा है तो आप सीधे कपड़े को इस ड्राफ्ट पे रख लें और सेम इसी ड्राफ्ट के अनुसार इसको कट कर लें। तो देखिए मैं इसकी आपको ये ब्लाउज है। और अभी हम क्या करेंगे, सेम ड्राफ्ट पे इसको ब्लाउज को खोल लें, ब्लाउज को सीधा रख लें। सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हम ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को रख लेंगे। अभी हम शोल्डर से लेके यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ से कमर तक स्टिच कर देते हैं और फिर इस नेक को हम कट कर, मैं इसमें कैनवास यूज नहीं कर रही हूँ, विदाउट कैनवास बना रही हूँ। तो देखिए जब ये हमारा सिल जाएगा और इसको हम कट कर देंगे, फिर इसको पलट के इसकी फिनिशिंग देंगे और उसके बाद फिर हमारा जो ये पैच है इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और फिर इसमें लेस लगा के इसको डिजाइनर बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ से लेके पूरा मैंने कमर तक इसको स्टिच कर दिया है और जो नेक है इसको कट कर देते हैं। यहाँ से लेके इस तरह से आएगा, अभी हम इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से कोने से लेंगे और जो ये कोना है इसको एक्स्ट्रा इसको कट कर देते हैं। मैंने इसको अटैच कर दिया जैसे नॉर्मल प्लेट डालते हैं, प्लेट भी डाल दिए। और देखिए ये मैंने गोल्ड लेस लिया है, जो कि हम पहले क्या करेंगे यहाँ से लेके पूरे ऊपर तक नेक लगा लेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, एक लाइन हमारी हो जाएगी। जब दूसरी लाइन आएगी तो यहाँ से हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे स्टिच करने से पहले हम इस साइड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इधर जाएगा हमारी तो ये फिनिशिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, सेकंड यहाँ पे।
यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दिया है। और अभी हम यहाँ से लेके और पूरा कमर तक स्टिच कर देंगे और इसी तरह मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लेस लगा दी है और इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। और देखिए यहाँ पे हमने एक बटन लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने बचा हुआ टुकड़ा लिया है, प्रिंटेड है, और देखिए ये हमारा ब्लाउज है और ये लाइनिंग है। और आज आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन जो कि टुकड़ों में से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको साइज बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने 11 इंच लिया है और ये 36 साइज का ब्लाउज है। देखिए तैयार में 9 इंच आएगा और ये 2 इंच हमारा मार्जिन है। इसके बाद देखिए शोल्डर मैंने 7 इंच लिए है और मुड्ढे हमने 7 इंच लिए हैं। और अभी आपको बताते हैं इसकी कटिंग। तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज को साइड में रख देते हैं और लाइनिंग पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये हमारा डबल नेक में आएगा, तो ऊपर वाला नेक ले लेते हैं 4 इंच। उसके बाद इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जितना आपको डीप चाहिए। तो जैसे मैं 10.5 इंच ले रही हूँ, तो मैंने 10.5 इंच लिया, लेकिन तैयार में 10 इंच आएगा, हाफ इंच शोल्डर पर स्टिचिंग हो जाएगा। और देखिए इस तरह से मार्किंग कर लें, यहाँ पर बॉक्स बना लिया हमने। और सबसे पहले ऊपर का नेक ले लेते हैं, तो ये हम ले रहे हैं 2.5 इंच। और फिर इसका इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ देते हैं, इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने ऊपर का नेक दे दिया, 1 इंच होती है, अभी इसमें शेप दे देते हैं। और ये नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा जो हमने ये लाइन खींची थी यहाँ से। सेम शेप पे इसको कट कर लेंगे। इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को नीचे रख लें सेट करके, और जो ये ड्राफ्ट है इसको इसके ऊपर रख लें, बराबर से सेट कर लें कहीं आगे पीछे हो रहे। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक कर लिया है और इधर भी एक पॉइंट लगा देते हैं। अभी इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अभी इसकी शेप ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ये हमारा यहाँ से इस तरह से। और इधर देख लें कितना आपको चाहिए। जैसे मैं इसको 1.5 इंच लूंगी, तो यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच से इस तरह से गुलाई दे देंगे। हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे, जो ये ब्लाउज है इसी को ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी ओपनिंग जो है बैक साइड में, तो जो ये पार्ट है इसको भी हम कट कर देंगे। दोनों जो पैच है और ये पार्ट है नीचे का, इसको भी दोनों को कट कर देंगे। अगर आपकी ओपनिंग फ्रंट साइड है तो आप इसको क्लोज ही रखें। तो देखिए मैंने कैनवास पर टुकड़ा ले लिया, उस तरह से ड्राफ्ट पर सेट कर लिया है और सेम ड्राफ्ट पर इसको कट कर देंगे। का तरीका होता है, ब्लाउज को नीचे सीधा रख ले, उसके ऊपर लाइनिंग का जो ड्राफ्ट है उसको रख ले। और देखिए हमने जो कैनवास कट किया है इस ड्राफ्ट को इस तरह से सेट कर ले। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पूरा नेक से लेके इस तरह से ऊपर नेक तक इसको स्टिच कर देंगे इसी तरह दोनों साइड के बीच। उसके बाद जो नेक है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने जैसे बताया था वैसे स्टिच कर लिया, अभी कट कर देते हैं।
करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्लेट डाल लेते हैं। अगर हम इसमें प्लेट डालेंगे तो अच्छे से नहीं आएगा। तो आप क्या करें, जो ये डिजाइन है यहाँ से आप इस तरह से फोल्ड कर लें और 5 इंच लंबी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डाल दी हमने और जो ये पेच तैयार किया था इसको इस तरह से हम इसमें सेट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एक तरफ से हम स्टार्ट करें, पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर देते हैं। ये नीचे भी फिनिशिंग दे दी है, ये पैच भी अटैच हो गया, ये ऊपर पूरी फिनिशिंग आ चुकी है। ये मैंने मोती वाली लेस ली है और ये प्लेन लेस ली है। तो यहाँ पे हम मोती वाली लगाएंगे, ऊपर से पूरे में प्लेन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कर लें और यहाँ पे इतना हमारा मार्जिन के लिए जाएगा वो छोड़ दें, क्योंकि हमारी जो ऊपर से लेस आएगी उसके लिए। तो आप इतना पार्ट छोड़ दें, यहाँ से कम 1.5 इंच के आसपास प्लेन लेस लगाएं। तो देखिए यहाँ पर नीचे ये मोती वाली रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से प्लेन रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये सेकंड लेस यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करी है, और जो पहली वाली लाइन ली थी वो पूरे हमने यहाँ तक स्टिच कर दी है। देखिए ये पीस हमने इस तरह से स्टिच किया है और दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक बटन और एक लूप लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।